Give it up for पर निति निति ये मैं, अब मेरा हो गया थैंक यू सर बैठ जाऊ बिल्कुल परिणति जी <clears clears clears> मेहनत मशक्कत तो दिखाई दे रही है जबरदस्त और जब मैं uh, मुझे ऐसा लगता है जितना भी मुझे समझ आता है कि जब भी आप इस तरह की कोई फिल्म करते हैं यू नो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बायोपिक तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बिकॉज यू आर पुट श्रेइंग समबडडी इज लाइफ जर्नी एट द एट सेम टाइम आपको अपनी भी चीज़ें डालनी होती है वट वॉज योर नोट्स आपके इमोशनल नोट्स क्या थे आपके प्रोफेशनल नोट्स क्या थे वैन यू वर प्लानिंग दिस ऑल सो दे टू थ्री आंसर्स टू योर क्वेश्चन पहली बात तो um, मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी mm. uh, जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी दे वर प्रिटी मच एन एक्सटेंशन ऑफ मी एंड ऑल्सो वॉट राइटर्स एंड डिरेक्टर्स थाट आई वॉज एंड सो दे वर राइटिंग रोल्स विच वेरी सिमिलर एंड आई वॉज ऑल्सो चूजिंग दोज फिल्म व्हेन दिस फिल्म केम इन टू माई लाइफ इट वॉज एग्जैक्टली वट आई वॉज लुकिंग फॉर बिकॉज आई वॉज लुकिंग To surprise everybody, I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy, whatever girl. Uh, but that's not really actually me. Um, and I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So, a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role. i would have done even if it was fiction so biopic was like बोलते हैं ना सोने pe सुहागा। mm. um, and then there was amol sir mm. literally these were the two names i heard Saina Nehwal, amol gupte kaha sign karna hai i was literally like that yeah. so uh, wow. there was no thinking at all and jo aap bol rahe na ki maine prep ke liye kya kiya maine ye kya kiya wo kya kiya um <laughs> जब ये फिल्म की जब मुझे नरेशन मिली थी कि बैडमिंटन खेलना है अब हम सब सोचते हैं कि हमको बैडमिंटन आता है yeah, क्योंकि true. हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं yeah. और गली बैडमिंटन खेलते हैं और मुझे लगा दो तीन दिन में हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग मुझे बैडमिंटन तो आता ही है मुझे सिर्फ शूटिंग पे पहुंचना है लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे पहुंची और मेरे जो कोच सर हैं ईशान जो यहाँ बैठे हैं बाद में आएंगे उन्होंने बोला आपने रैकेट ही गलत पकड़ा है तो मैंने कहा ओह oh. okay. <laughs> ये तो थो थोड़ा फ्लॉप शो हो गया एंड <laughs> <laughs> फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग प्लेयर्स हैं hmm. और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए दुनिया में खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है और जो हम गली बैडमिंटन खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है huh. तो माय पर्सनल गोल विद दिस फिल्म इज़ कि लोग समझें कि जो हमने सीखा है मैंने सीखा है और जो बैडमिंटन की कदर होनी hmm. चाहिए इस कंट्री में वो hmm. होनी ही पड़ेगी क्योंकि आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर गेम एज हेक्टिक एज डिफिकल्ट टू प्ले एज बैडमिंटन बट द प्लेयर्स मेक इट लुक सो इजी एंड वी प्ले अंडर आर हाउसिज एवरी इवनिंग दैट वी थिंक इट्स वेरी ईजी सो आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड इट टुक मी ऑलमोस्ट फाइव टू मंथ्स टू जस्ट गेट रेडी विद अ बेसिक थिंग फॉर द शूट सो दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज दैट वॉज माई प्रेप इमोशनली आई लेफ्ट एवरी थिंग टू स यू नो हिम बींग द एक्टर दैट ही इज आई यूज टू ड्रेड द डेज कि कभी कभी वो आके सीन दिखाते थे करके मुझे लगता था ओ माई गॉड मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसे यू नो बिकॉज सर्च जिस तरह से करते यू कॉन्ट हैट इमोशनल डेप्थ बट वॉज इट इमोशनलीवरवेलमिंग किसी के किरदार को प्ले करना उसके पॉइंट्स दिमाग में रखना आप प्ले करें ना तो yes, मुझे होते want, yeah. होते और मैं रोने लग जाती हूँ एंड uh, मैं जेन्यूनली ड्रामेटिक yeah. yeah. होने के लिए नहीं बोल रही हूँ uh, अभी तक नेशनल एंथम इज माई फेवरेट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल टाइम्स बिकॉज अभी तक मेरे को लगता है कि देर इज नथिंग Yeah. made like this. And um, this film being about a national hero, about the stuff that he's written, you the know, things that she's. One says, thing I have to interject is uh, there are two amazing voices floating in this uh, auditorium. One is Miss Chopra, <laughs> who is, I think, a phenomenal singer. Oh and uh, she's got her graduation in music, which very few people know. And of course, my dear rock star, Amal, Kakamal, Kakamal. And of course, Ishan is also an aspiring musician. More power to you, boy. <laughs> so, to answer your question, uh, there is so much patriotism. Naturally, in this film, because of who we are making this film on, world number one is what she achieved. Nobody else has been able to do it. So, the stuff that I used to say, the scenes that were written used to make me emotional. So, actually, any of the crying that you see in the film is not fake because it actually yeah, came just, from within. Exactly. And it didn't matter if I was doing three takes or ten takes, it would just come every time I would say that line. Yeah. Or if somebody said, tum is.

शाय की है और छोटी मैं हु इज ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस कंट्री ऑल्सो दैट इज ईशान ही इज प्लेंग साइनाज नाव हजबेंड कश्यप एंड ही वॉज ऑल्सो द कोच तो जो कुछ भी मैंने बैडी uh, के बारे में सीखा है वो लिटली ईशान के साथ रोज तीन तीन चार चार घंटे खेल के सीखा है

and the way he was working on the film said, mm. sir i am i have to be part of this i i have to be part of this film because i have played badminton all my life mm. my family has been into sports so i had to be part of this mm. film and uh, i you know the minute i got this opportunity i asked sir and he believed in me and you know he had faith in me and also pari kept his uh, faith in me and we worked wow. together and you know rest is his <laughs>

प्यारा वाला मोमेंट कौन सा था इतनी सारे सीन्स की इतनी सारी शूटिंग की कोई एक मोमेंट जिसके बारे में तुम बात करना चाहती हो जो तुम्हें तुम्हारा अपना पर्सनल फेवरेट एनीथिंग यू वांट टू से विदाउट रिवीलिंग मच जो तुम्हें ठीक लगता है एनीथिंग यू वांट टू शेयर एक्चुअली आई लाइक ऑल द सीन्स एंड आई वाज रियली एक्साइटेड व्हेन आई हर्ड अबाउट दैट आई एम प्लेइंग साइना हां ऑब्वियसली एक्चुअली व्हेन आई वाज स्मॉल आई ऐड ऑल साइना ऐड ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन या या सो दिस नथिंग लाइक There's no favorite scene, actually, because hmm. I love the whole movie. Yeah, yeah correct bro. answer. <laughs> See, you're already a pro on stage. You exactly know how to answer. She wakes up at 3 in 7 days a week throughout the year. She's being trained in Gopichand Academy. Wow. And she's a protege. And all our blessings for her to become the next Saina. Woo! Fantastic. Pariniti do you want to say something about Naisha Koyasi? <laughs> Moment, anything you want to mention. You know, honestly, it's, it's, it's really incredible that, uh, you know, being sports person, both of them, Ishan and Naisha, and even all the other children who have been part of the film, it's uh, so easy to get nervous in front of a camera or in front of the crew or whatever. But they, you should see them before they pick up the racket, they are different and they pick up the racket and they start smashing the shuttle. And they are fire. They are insane. So I always used to look at them and be like, "Me, how will I do? In front of them, They are making me look bad. Stressy, stressy, stressy. So, just a little bad. It was, it was like, it's crazy. But of course, they are so inspirational. Whether she was on set or whether he was on set, when I used to watch them, I used to immediately tell Shankar, "Chal, one, one, one rally karte, kuch karte. Let's yeah. rehearse." They inspired me so much. That this is just the start for them. I, I think this is the first day of the rest of their life, I think. Super fantastic. Okay, so any other questions? Anybody want to ask anything? Okay, we'll do it in a while, but before that, I really, really need to say a big thank you to uh, Bhushan Kumarji, who is the producer of the film. <laughs> Three cheers to him.

अमाल प्लीज कम ऑन स्टेज अमाल को तो मैं no, अच्छे से मतलब उसको मैं अच्छे से निचोड़ूंगा ओपनिंग द हाय क्वेश्चन मैं उमेश शुक्ला न्यूज ट्वेंटी फोर से यहाँ सर यहाँ फर्स्ट ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन काफ़ी जो ट्रेलर की झलक है काफ़ी खूबसूरत है काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रहा है काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है परनीति बहुत ही अच्छा आप आपने काम किया है जहाँ तक हमने देखा अब तक अमोल सर आपसे मेरा सवाल है आपने लगभग जैसा कि हमें पता है 2015 में आपने इस फिल्म की शुरुआत की थी करीब छः साल का वक्त बीत गया है और लगातार आपकी मेहनत रही है इस पर श्रद्धा कपूर थी इसमें पहले उन्होंने करीब सात से आठ महीनों की मेहनत की थी लंबा कुछ दिन की शूट भी की थी उन्होंने और इस तरह की फिल्म बनना कहा जाए एक डायरेक्टर के लिए एक्टर के लिए सपना होता है तो क्या आ, क्या वजह थी क्या वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से श्रद्धा इस फिल्म से दूर हो गई क्योंकि कई दिनों की उन्होंने शूटिंग की थी और ऐसी फिल्म से कोई दूर हटना नहीं चाहेगा क्या कहना चाहेंगे सर यार मुझे कोविड हो गया <laughs> 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 मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे का, 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 क्या कहा आपने भाई नहीं सुनाई दिया तो पीयूष शाह जी को भी मैं ऊपर बुलाना चाहता हूँ और रंजीत इज द फर्स्ट या अच्छा आफ्टर द क्वीन ओके ओके अह सो या अरे मैं ये जवाब नहीं दे सकता मुझे कप कपी हो रही है ककपी <laughs> क्यों कोई खास नहीं दूंगा बट <laughs> वो नहीं अगला अगला हाय परिणीति जी हाय uh, ओ oh, तुम सोच के पूछवा कुछ <laughs> नहीं ऐसे बहुत सिंपल सवाल है दो सवाल है मेरा आपसे पहला ये कि किसी की बायोपिक करने के लिए डिक्टो दिखना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है एक्टिविटीज़ जितना भी हमने देखा तो जब से टीज़र आया सोशल मीडिया पर ढेरों सारे आ, कमेंट्स चालू हो गए कुछ एक का आपने रिप्लाई किया कुछ एक पॉजिटिविटी है कुछ एक निगेटिविटी है तो जो ट्रोलर्स हैं उन्हें कैसे देखते हैं आप जिनका कुछ एक का आपने जवाब भी दिया तो आप अगर बताना चाहें नहीं मैंने किसी को जवाब नहीं दिया मैं ट्विटर पर एक कौन है कभी किसी को जवाब नहीं देती बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूंगी uh, मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो एंड आई अग्री विथ यू जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहा है तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ तो मैं अपना माइंड यूज़ करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है उस बारे में या ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है आपने साइना जी के ऊपर बायोपिक की तो क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम देखेंगे परिणीति चोपड़ा जी के ऊपर भी बायोपिक बनेगी ओ लॉर्ड एंड अगर करेगा तो आपके अनुसार कौन वो एक्टर है जो आपके किरदार को फिट बैठता है मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए <laughs> तुम ही हो मेरे सबसे पुराने दोस्त मैं चाहती हूँ कि अभी तुम साइन कर लो ये पिक्चर इन एंड एज परी विनोद सर अभी साइन कर लिया जाए <laughs> नहीं मुझे लगता है बायोपिक बनने के लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी पड़ती है आई थिंक उसी में आपकी एक कहानी बनेगी और उसी को दुनिया देखना चाहेगी तो मेरे लिए तो अभी सिर्फ शुरुआत है शायद पचास साल बाद जब मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूँगी तब प्लीज़ बनाना हाय थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच स्ट्रांग महिलाएं हैं और उनका उदाहरण और उनकी बात बताते हुए बताइए कि महिलाओं का किस तरीके से आपके जीवन में योगदान रहा और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा चोट मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बोलती हूँ मेरे बारे में एक्चुअली ना मैं एक ऐसे घर में और ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे जेन्यूनली लड़की और लड़के में कभी फ़र्क हुआ ही नहीं इनफैक्ट कई बार मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मेरे दो भाइयों से क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में उनको लगता था कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ और मेरा भाई कम काबिल है मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी जब से मैं यहाँ आई हूँ और इंडस्ट्री में या मीडिया की बातें सुनती हूँ यहाँ पे बहुत एक विमेन एम्पावरमेंट इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी की बातें चलती हैं आई एक्चुअली अप टू दिस जस्ट टेन ईयर्स अगो बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द कूलेस्ट हाउस होल्ड एवर जहाँ पे एजुकेशन uh, में किसी भी डिपार्टमेंट में खर्चा सबसे ज़्यादा मुझ पर किया गया क्योंकि मैं उस टाइम काबिल समझी जाती थी तो मे मुझे तो आज तक यही लगता है कि हम इस बारे में बात भी क्यों करते इसमें बात करनी ही नहीं चाहिए एक इंसान की काबिलियत देखो उनका जेंडर मत देखो हैप्पी वेमेंस डे टू यू मैन फर्स्ट एंड नॉट आस इट्स टू डू विथ योर अबिलिटीज़ नॉट योर जेंडर Connects all your films, whether it's Tarisamimpar or Stanley Ka or any. This film, actually, with, when I saw the trailer, is emotions. Um, also, to Pariniti, because you know, Saina's life has been lived because of her achievements. We know majority of her life. Uh, you are, of course, showing the achievements. But what parts of her life uh, are we going to see, which we haven't seen, like the untold story behind uh, Saina? i would know, uh, like to know that and from you i want to know that how important is it for you to blend in the emotions when you make a biopic because this is quite an emotional story from the teaser to the trailer i mean imagine i mean the, the, the quantity of emotion in a, in a life story where a simple lower middle class mother and father in hisar haryana

मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं आई एम पैशनेट अबाउट फिल्म एंड आई हैव अ लाइफ पार्टनर हु इज़ मोर पैशनेट देन मी दीपा भाटिया विमेंस डे और मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है कि वो वहाँ बैठी हैं, मैं इधर बड़बड़ाए जा रहा हूँ जबकि आज वीमेंस डे है तो आपको उनको सवाल पूछने पड़ेंगे पर टू आंसर योर क्वेश्चन एक uh, अगर एक फैमिली है और अगर वो फैमिली संतुलित है हारमोनियस है तो द अप्स एंड डाउंस ऑफ इमोशंस कैन बी रिकॉर्डेड एंड ऑब्जर्व्ड एंड पुट ऑन पेपर लाइक अ पोएट ऑल लाइक अ प्ले राइट ऑल लाइक अ लिरिसिस्ट ऑल लाइक अ फिल्म मेकर Uh, can I tell you honestly, even though I knew everything that was in the media about her, I actually didn't know what her journey to being that media person was. How did she grow up? Where did she grow up? Who was the hero in her life? Who made this all happen? And if you read about her story, uh, I mean, a plain Google would help you. Um, you just see, oh, she came from uh, Haryana and did this. There's no real, like, at that time, I'm saying, this is like, uh, when i read the script he has beautifully spent time with the family and taken uh, the real emotions of what the mother felt when saina was eating a meal what the father felt when they didn't have money what the uh, sister felt when she was training things like that that you don't really the behind the scenes of the world class player which i had not seen so for me that was like the real winning point because uh, a film about okay, I you know spend first two minutes setting up a girl, but she starts playing badminton. That was not enough, but I didn't need it because he has literally. There is a reason why Naisha is in this film. You know, uh, uh, we have explored a very large chunk of Saina's life, which was when she was young. She was winning uh, medals when she was this age. Um, very much like this, o this girl. So, there is a reason that there is a young Saina and older Saina because that's how much importance sir has given to that part of her life. Hi, Bariniti. On your right. Hi, sir. On your right. Yeah. Yo. Hi. Hi. This is Murtuza from Eastern Eye. Uh, my question is that you said that, you know, it took you five to six months to learn the badminton and... But was there any moment where you thought, that it's not possible? Was there any moment and how did you tackle that? Haan, that moment came every day. Uh, every day when I used to टू लीव द कोर्ट used टू बी लाइक बस मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आई टोल्ड यू जब पहले दिन मैं मैंने शुरू किया था मुझे लगा ये तो मुझे बस मुझे तो आता है बैडमिंटन खेलना यू नो बट आप जब इन लोगों की तरह खेलते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता एंड आई एम श्योर कि अनलेस आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं किसी को बैडमिंटन नहीं आता ये मैं आप दावे से कह सकती हूँ क्योंकि जो हम ऐसा टक 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 खेलते हैं ना वो ही गलत बैडमिंटन होता है ये लोग सब हंसते हैं हम पे <laughs> कि तुमको लगता है तुम्हें बैडमिंटन आता है सो आई फेल दैट एवरी डे ऑल्सो देर वॉज अनदर प्रॉब्लम दैट आई वॉज शूटिंग अनदर फिल्म ऑल्सो तो वो थोड़ा लॉजिस्टिक uh, इशू भी हो गया था तो so, एक्चुअली जब मैं उस शूट के लिए गई मैं लंदन दो महीने की थी तो ईशान को मैं लेके गई थी साथ में और हम लोग वहाँ पे लंडन में ट्रेनिंग करते थे सो यू नो इट वॉज़ वी बोथ व दैट डेडिकेटेड कि जब हम वापस आए हम दीपा मैम और अमोल सर को रिज़ल्ट दिखाएं यू नो वी हैड टू मेक देम प्राउड देन मेक साइना प्राउड एंड मैं आपको एक और बात बताती हूँ um, हम लोग गए थे साइना से मिलने uh, उनके घर पे हैदराबाद एंड uh, उन्होंने भी मुझे बोला कि देखो मैंने कभी तुमको देखा नहीं है स्पोर्ट्स खेलते हुए मैंने बोला बिल्कुल मैंने भी नहीं देखा अपने आप को कभी <laughs> तो उन्होंने बोला कि आई एम श्योर तुम खेल पाओगी तो मैंने कहा हाँ लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ एंड ऑल एंड आई हर हाउस उनके घर में सिर्फ रैकेट्स शटल कॉक्स मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं आई थिंक उनका खुद का सामान कम है और ये ज़्यादा एंड लुकिंग एट दैट आई फेल्ट द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रिमेंबर वापस आके हमने डबल ट्रेनिंग शुरू की एंड uh, उनका मैं वन परसेंट भी अगर खेल पाऊंगी आई कंसिडर माई सेल्फ

एंड देर वॉज़ नो डिस्कशन जैसे मैंने आपको बोला मैं ऑलरेडी uh, इस फिल्म के बारे में सुन रही थी जैसे बोलते हैं मार्केट में चर्चा थी इस स्क्रिप्ट की एंड uh, मैंने सोचा यार मज़ा आ जाता अगर मैं ये फिल्म करती बिकॉज़ आई वॉन्टेड टू डू यू नो समथिंग डिफरेंट जिसमें मुझे होमवर्क लगे तो आमोल सर ने मुझे एक दिन ऑफिस बुलाया एंड दीपा मैम अमोल सर ने मुझे दोनों ने कंबाइंड एक नरेशन दी एंड आई वाज ऑन हमने एक्चुअली कभी भी डिस्कशन नहीं की कि अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं हमने एक्चुअली काम शुरू कर दिया एकदम से हमने सुनी स्क्रिप्ट एंड अगले दिन से शुरू कर दिया सो लाइक दिस से वट एवर योर जर्नी इज आपकी डेस्टिनी में जो फिल्म होती है वो आपके पास आ जाती है समाव एंड कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ गया था जब फिल्म आपके पास में आई <coughs> जब आपको पता है कि कोई फिल्म ऑलरेडी कर रहा है ऑलरेडी तैयारी करी हुई है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था नहीं मेरे पास uh, सिर्फ मेरा खुद का प्रेशर था और मेरे डायरेक्टर का प्रेशर था मुझे उनको इम्प्रेस करना था uh, और मुझे मेहनत करनी थी ये स्पोर्ट्स सीखने की तो एक्चुअली आई डेंट टेक एनी एक्सटर्नल प्रेशर द प्रेशर वाज मी माय कोच अप्रूविंग व्हाट आई एम लर्निंग माय डायरेक्टर अप्रूविंग व्हाट आई एम लुकिंग लाइक ऑन स्क्रीन नो प्रेशर नो मोर क्वेश्चन प्लीज आपके तरफ भी जाता हूं आपके लिए कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है है क्योंकि पूरी कंधों पे uh, मतलब इमेंस प्रेशर होता है uh, uh, जो मेकर्स हैं जो एक्टर्स हैं सब पे uh, लेकिन हमारे पास सपोर्ट है साइना का शी अस फुल एक्सेस उनकी लाइफ में हम जितनी मर्जी में जितना मर्जी उनको फेस टाइम करूँ फ़ोन करूँ जो भी शी शीज़ टू आंसर माई एवरी क्वेश्चन सो उस उससे प्रेशर मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है प्लस सर ने ऑलरेडी दो तीन साल यू नो से उनसे मिल रहे थे फैमिली से मिल रहे थे आई थिंक सर उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं तो उससे थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है बट जेन्यूनली मुझे बैडमिंटन सीखने का ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि मैं और कुछ ले नहीं पाई मैं मैं क्रम्बल हो जाती फिर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती सो आई टुक द प्रेशर ऑफ जस्ट डूइंग माई बेस्ट इज़ अ चैलेंज और अ रिस्क इट्स अ चैलेंज फॉर मी फॉर श्योर एवरी फिल्म इज़ अ रिस्क Thank you, thank you so much. Thank you, everyone, for all the questions. <laughs> thank you, thank you. Can oh, I also uh, uh, listen? Akriti. Can I bring in uh, uh, my co producers uh, Vinod, Shiv, uh, Shiv Chana, Deepa and Deepa Bhatia, 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 my better half? Ready, Ranjit And Piyush Shah, the, the DOP of our film, and actor Ranjit. Um, just one last thing before we go. अभी हमारी पूरी टीम स्टेज पर है एंड uh, ये पहले कभी नहीं हुआ है जब हम लोग uh, yeah, one second. Okay, so one last thing. थिंग um, एक मिनट सुन लीजिए हिट है ये ओके सो एक लास्ट थिंग सुन लीजिए एक मिनट नहीं होने वाला है कुछ मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट राइट या जस्ट वन लास्ट थिंग हमेशा हम लोग जब घर पे होते हैं हम लोग सब जो टीम्स होते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करते हैं कि ये लो हमारा नया ट्रेलर या ये लो हमारा हम आज पहली बार मीडिया के सामने लाइव पोस्ट करना चाहते हैं सो प्लीज टेक आउट योर फोन्स मेरा फोन मुझे दे दो एंड वी वांट टू पोस्ट लाइव राइट नाउ एंड प्रूफ दर एम एक्चुअली डूंग इट ये है इंट्रोडक्शन हम सब के नए वर्कआउट सॉन्ग का जब हम ट्रेडमिल पर भाग रहे होंगे हम ये गाना सुनेंगे ये एंथम सुनेंगे थैंक यू सो मच एवरीबडी